secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अमार और आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि मैं आना है आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर का एक व्लॉग था, जो कि हमने पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवलिंग की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आई विल बी ट्रैवलिंग टू शिकागो एंड आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग देयर। तो अभी तकरीबन हो चुके हैं 10:30 और 10:45 पे मेरी एक क्लास है। 10:45 से 12 की वो मैं क्लास लूंगा। उस क्लास के बाद जो है मैं यहाँ से जो है वो जाने वाला हूँ शिकागो, और वेवरली से मतलब कि जो आयोवा की स्टेट है, यहाँ से मैं जो मैं बेसिकली मैं बस के थ्रू जाने वाला हूँ। तो वहाँ तक जो मैं अपने रूममेट के साथ, उसके पास गाड़ी है तो मैं उसके साथ जाऊँगा वाटरलू से मैं जो है बस से शिकागो मूव करूँगा। तो अभी ये व्लॉग स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। मैं रात में वहाँ पे पहुँचूंगा और मेरा जो माइंड है वो ये है कि रात को ही मैं नेवी पियर चला जाऊँगा, और सैटरडे का पूरा दिन है मेरे पास, संडे की सुबह है और संडे को मैंने वापस आना है क्योंकि मंडे को मेरी क्लास होती है। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत बेहतरीन होने वाला है। मिलते हैं आपसे जब मैं वाटरलू पहुँच जाऊँ या रस्ते की कुछ वीडियोज़ दिखाऊंगा आपको। सी यू। And got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. While I'm leaving, you're my greatest mistake. Greatest mistake. Hi everyone, meet my roommate. He's Carter Hayden. Hi. Actually, we are going to Waterloo, and Carter is like going on a football match, I think so. Yeah, I'm going to an American football game. Wow, that will be great, I think so. Yeah. So, Carter is dropping me in Waterloo, and then I'll be getting the Greyhound from Waterloo, and I think so it will be a 5 hours travel from Waterloo to Chicago, I think so. Yeah, just about. So, stay tuned, I'll be making a lot of videos in this whole journey, and it will be a lot of fun. See you. इस टाइम हम वाटरलू पहुंच चुके हैं। मैं ही हूँ क्योंकि कार्टर चला गया है, उसने आगे एम्स जाना था, फुटबॉल मैच है वहाँ पे, अमेरिकन फुटबॉल गेम है। तो उसने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और मैं अभी जो है वो स्टेशन पे हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। तकरीबन थोड़ा सा टाइम है, 10-20 मिनट में मेरी बस आ जाएगी एंड देन आई विल बी ट्रैवलिंग टू शिकागो। रात में मैं पहुँचूँगा शिकागो में और लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक आई एम ट्रैवलिंग इनसाइड द US, और मैं ट्रैवल भी अकेला कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ ट्रैवल करना था लेकिन एंड मोमेंट्स पे आके उनका प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन आई एम स्टिल ऑन माई कमिटमेंट, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। यस, अकेला जा रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये एक फर्स्ट ट्रैवलिंग है और ये अच्छी रहेगी। सो सी यू। Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops.
वेलकम बैक गाइस, एंड नाउ वी आर हियर इन शिकागो। सो शिकागो में तकरीबन अभी पहुंचा हूं, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं मुझे पहुंचे हुए, और बस स्टेशन पे मैं था, और बस यहां से मैं फ्रेश होके अभी निकल रहा हूं आगे। अभी मैं डायरेक्टली यहां से जा रहा हूं नेवी पियर पे। नेवी पियर जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, और अभी मैं जा रहा हूं नेवी पियर में। नेवी पियर एक ऐसी जगह है जहां पे मतलब एक आई थिंक सो सी व्यू आप कह सकते हो, मुझे नहीं पता, अभी मैं जाके देखूंगा। और अभी मैं कुछ वीडियोज़ आपको और कुछ पिक्चर्स ही दिखाऊंगा जो रास्ते में मैं बनाता हुआ जाऊंगा। वॉकिंग का रास्ता ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 10 से 20 मिनट लग जाएंगे मुझे वॉक करते हुए मैं जाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको नेवी पियर दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड, नेवी पियर पे मुलाकात होती है। Can't escape now, and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. While I'm leaving, you're my greatest mistake. Greatest mistake. जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे वो पहला रैपर यहाँ पे नज़र आया रोड पे, ठीक है। ये रहा, तो इसको भी हम उठा लेते हैं। यार जब इतनी साफ़ रोड मिलती है ना आपको, या इतने साफ़ फुटपाथ मिलते हैं, तो फिर दिल नहीं करता कोई चीज़ यहाँ पे फेंकने की भी। तो ये पहला रैपर मुझे मिला यहाँ पे, और मुझे नहीं पता किसने फेंका होगा, खैर जिसने भी फेंका, तो कम्युनिटी सर्विस करते हैं हम, इसको उठा के डस्टबिन में फेंक लेंगे। हमें वैसे इस चीज़ की आदत नहीं होती, लेकिन यार बहुत अच्छी आदत है, ये बना लेनी चाहिए तो काफ़ी बेहतरीन हो जाए। आपको यहाँ पे रोड्स बहुत साफ़ मिलेंगे, और इवन फुटपाथ, रोड्स, हर चीज़ आपको इतनी साफ़ मिलेगी, आपके पास भी जो रैपर्स होंगे आपका वो भी इधर फेंकने का दिल नहीं करेगा। एनीवेज आगे चलते हैं। वेल यहाँ पे तो वॉक करना है मैंने, ऑलमोस्ट 3 miles की ये वॉक है, और अभी हाफ भी नहीं हुई है। तो पाकिस्तान जैसे यहाँ पे वो नहीं है आपको फ़ायदे कि आप रिक्शा पकड़ लोगे, सस्ते में निकल जाओगे। अब यहाँ पे बस पकड़ने के लिए भी मुझे जो है वो दूसरे स्टेशन तक वॉक करनी है। टैक्सी और ऊबर का है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से मैं वॉक कर रहा हूँ 3 miles। वैसे मैंने कभी पाकिस्तान में वॉक की नहीं है यार, मैं हमेशा बाइक पे निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको वॉक करनी पड़ती है। और जितनी वॉक मैंने यहाँ पे की है, इतनी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की होगी। वेल आई एम गोइंग टू नेवी पियर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ठीक है नेवी पियर दें। बाकी मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ रास्ते में, तो वही आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो मैं पहुँचा हूँ यार, कल का पूरा दिन है मेरे पास, परसों भी है, तो काफ़ी फन और होने वाला है यहाँ पे, मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, बेहतरीन। वेल मैं नेवी पियर पहुँच के कुछ वीडियोस बनाऊँगा, और वहाँ पे ही अब अपनी भी अगली वीडियो बनाऊँगा, तो सी यू। पियर में अभी भी नेवी पियर में बैठा हुआ हूँ, और अभी मैंने कुछ खाया है, कुछ क्या खाया यार, यहाँ पे अब हम चिकन तो खा नहीं सकते, बीफ नहीं खा सकते, तो बस चीज़ और इन इस तरह की जितनी भी चीज़ें, इन पे गुजारा करते हैं। तो वैसे लोग खाते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि द मेजर कंसर्न इज़ के हलाल आपको कम जगहों से मिलता है, हर जगह से आपको हलाल चिकन, हलाल बीफ ये चीज़ें नहीं मिल रही होती। एनीवेज़ ये एक अलग टॉपिक है। नेवी पियर में काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, दिन में भी आ जाए, मॉर्निंग में भी आ जाए, बेहतरीन है, लेकिन नाइट का जो व्यू है वो बहुत बेहतरीन है। और मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ पिक्चर्स बनाई हैं यहाँ पे, और बाकी मैंने विज़िट की है पूरा एरिया। कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन म्यूज़ियम भी है, उसके बाद बच्चों के लिए झूले वगैरह और ये सारी चीज़ें भी हैं, और अब वो हमारे लिए तो नहीं है,
वो उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन घूमने के लिए और व्यू के हिसाब से बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन मतलब व्यू है यहाँ पे। बोट्स वगैरह चल रही हैं, बोटिंग हो रही है, शिप्स वगैरह हैं और भी काफ़ी चीज़ें, और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं अंदर और डिफरेंट कैफ़ेज़ बने हुए हैं, और इसके अलावा और क्या, हाँ एक शेक्सपियर थिएटर है यहाँ पे, वो अभी भी ओपन है, लेकिन अब हम किसी मूवी या किसी सीरियल के देखने के मूड में तो है नहीं है कि अब वहाँ पे हम जाएंगे। बाकी और भी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए यहाँ पे अंदर ही, और मैं अभी वापस चल के बाहर जाऊँगा, और आगे दोबारा डाउनटाउन जाना है मैंने, तो डाउनटाउन चल के वहाँ पे आपसे बात होती है इंशाल्लाह।